अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं टू खोसा। दोस्तों आज जल्द से जल्द दोस्तों को बताएंगे तो अपने जो मुर्गे हैं शामू के, उसके लिए हम क्या चीज़ लेके आए हैं, इस शायद दोस्तों को नहीं है पता। चलते हैं वो दोस्तों को जल्द से जल्द दिखाते हैं। तो अपने मुर्गों के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, उनके जो पाँव हैं मतलब वो ख़राब नहीं होंगे और मतलब उसके जो बीमारी है वो भी नहीं लगेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर और दोस्तों को दिखाते हैं अपनी जो मतलब मशरूमों के जो पिंजरे में उनको क्या डालना है, तो वो दोस्तों को दिखाते हैं तो अपने मुर्गों के लिए। तो चलते आई हैं, आपको दिखाते हैं। एक पिंजरा हमारा ये है जिसमें शामू बंद है, और एक पिंजरा ये है जिसमें ये वाला शामू बंद है। चलते हैं, लेके आते हैं जो हमारे जो पार्सल आया हुआ है कट्टू में, तो वो लेके आते हैं, दिखाते हैं दोस्तों को। ये हमारा कमरा बना हुआ है, चलते हैं, शेयर करते हैं, दिखाते हैं, चलते हैं, ले आइए जो कराते हैं दोस्तों को। तो अपने मुर्गों के लिए क्या हमने रखना है और क्या पिंजरों में डालना है दोस्तों को दिखाते हैं। दोस्तों अभी हमने क्या करना है, अपने चलना है पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर हमने क्या उधर डालना है जो आपके जो मुर्गे हैं उनके पाँव ख़राब नहीं होंगे और सोस को बीमारी नहीं लगती है। चलते हैं पिंजरे के अंदर और हमारे जो मुर्गे हैं शाम उनको बाहर निकालते हैं। हमने कट्टा पकड़ लिया और कमरे के अंदर अपने पिंजरे के अंदर आ गए। कट्टे को खोलते हैं, इसमें दोस्तों को दिखाते हैं इसमें क्या चीज़ हमारे लिए आया है। काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं, यार हमको जो है ईरान से और दुबई सऊदीया से हमारे को काले आते हैं यार, ये शामू को जो है तो दो तीन जोड़ी चाहिए। मैं हमेशा लोगों को शौक करवाता हूँ, तो इस तरह आप भी शौक किया करें, इंशाल्लाह दो तीन दिन के अंदर हमारे शामू के बच्चे निकल आएंगे तो वो भी हम दोस्तों को दिखाएंगे। आइए दोस्तों, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और आप अपने मुर्गों के लिए क्या करना है, आ जाइए हमारे प्यारे प्यारे शामों के लिए। मेहनत करना पड़ता है और इस तरह चीज़ जो है मिलता कम है शहरों में ना, किसी दोस्त को पता नहीं है, ऐसे ही बस मुर्गों को टाइल्स पे और मतलब फर्श वगैरह पे बंद कर देते हैं। सो उनके जो है मुर्गे उनके सो पाँव जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। दोस्तों आइए अपने पिंजरे में क्या चीज़ डालते हैं दोस्तों को दिखाते हैं। ये क्या है हमारे कट्टू में है, माशाल्लाह देखो दोस्तों, ये है, आप दोस्तों को पता नहीं है, चावल का छिलका है। तो चलते हैं, डालते हैं अपने पिंजरों में शामू, और ये शामू है और ये भी शामू मुर्गी है हमारे पास। अभी देखो अंदर बच्चू वाली मुर्गी के साथ लगता है, और ये हमारा ब्रीडर है खूबसूरत। तो दोस्त इस तरह काफ़ी कमेंट भी करते हैं, अभी वो बच्चों वाले मुर्गी से जाके लगने शुरू हुए। दोस्तों मैं इसको अभी करता हूँ अपने पिंजरों के अंदर, ऐसे करते हैं रात को, इसमें हमने मुर्गियाँ बंद करनी है शामों, मतलब उनके पाँव वगैरह ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है। तो इस तरह अपने मुर्गियों को पिंजरों के अंदर आप डालते हैं टाइल्स वगैरह पे, तो आप चावल के छिलके लेके वो अपने पिंजरों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों को यही रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो देखता रहें, और दोस्तों को काफ़ी वो पता नहीं है, खूबसूरत मुर्गे रखे होंगे उनको, लेकिन उनको पता नहीं है अपने मुर्गों के देखो पाँव में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आइए दोस्त दोस्त, ये है हमारे, ये हमारा शामू, ये पिंजरे में बंद है, इसके पिंजरे में भी हम यही चावल के छिलके डालेंगे। हमारे पास तो मिट्टी है, मिट्टी ठंडा होता है तो इसकी वजह से इसको भी डालना पड़ता है, तो इसको भी डालेंगे। इसने लड़ाई कर करके ने इसका जो है चूँच मतलब अपना खून करवा दिए, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। बच्चे वाली मुर्गी के साथ लड़ाई करता है, ऐसे ना वो अपने बच्चों को मार के नुकसान कर दें। तो
चलते हैं, आप मेरे वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक।